पंजाब में कोई और चारा ही नहीं है, पीटीआई की गवर्नमेंट के बगैर इस्लामाबाद में पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो नहीं चलेगी। बेईमानी है, जो ताकत का मरकज है आप भी जानते हैं वो सूबे पंजाब में है और पंजाब की थाना कचहरी पॉलिटिक्स में है। और अगर इस अगर तब्दीली भी करनी है या पीटीआई ने अपना अपने आप को मजबूत करना है, नून का 30 साल का हैंगओवर दूर करना है, तो पंजाब की गवर्नमेंट लाजम मुलजूम है, हर चीज करेंगे वो करने के लिए। मगर जो आपका अगला सवाल था, क्या ये इस्तेहकाम का बायस होगा? देखिए ये एक ओपन क्वेश्चन है। एटलीस्ट इन द पंजाब एक बहुत बड़ी अपोजिशन होगी। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी जाए, फर्ज कीजिए, जो कि शायद कार्ड्स पे होगा किसी ना किसी के, तो फिर भी ये बहुत बड़ी अपोजिशन होगी। और इधर कौमी जो लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर भी इतनी बड़ी 100 से ज्यादा एमएनएस जो हैं वो अपोजिशन के मेंबर्स होंगे, 120 के करीब लगभग। इमरान खान का बयानिया जीता है कि नवाज शरीफ का बयानिया पिटा है? देखिए मेरे ख्याल से दोनों ही बयानिए अपनी अपनी तरीके से उन्होंने अट्रैक्शन पाई है अवाम में। इमरान खान का बयानियों को फौकियत हासिल है, जिससे कि ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान में लोगों ने जो उनकी एंटी करप्शन ड्राइव है उसको माना है, तस्लीम किया है, रिस्पॉन्ड किया है। आप नंबर ऑफ वोट्स देख लीजिए, आज तो वो भी आ गए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।